हमेशा अपनी है, यही है कि सब लोग अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को घरों में रहेंगे और बार बार साबुन से हाथ धोकर कहीं पर सार्वजनिक जगह पर या किसी सड़क वड़क पर नहीं दिखे, अपने घर में रहें। अगर उन्हें सर्दी खांसी जुकाम होती है वो भी एक कमरे में अलग रख करके अपने आप को होम आइसोलेशन करें, उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आए, अगर वो 14 दिन तक में कोई भी ये सर्दी खांसी जुकाम हासिल नहीं होता है उसके लिए वो अपने घर गाँव में है, वहाँ के PHC में आए, अगर शहर में आए हैं तो हमने यहाँ दुर्गा मेडिकल अस्पताल में फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था की है, वहाँ पर उनकी जाँच होगी और वो दूसरा अगर सस्पेक्ट होंगे उनको यहाँ पर कोरोना वार्ड में एडमिट किया अगर उनकी जाँच रहेगी और जब ये सस्पेंशन नहीं है जब वो छोटा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पर अगर वो जाते हैं तब उनको हम लोग एडमिट करेंगे, नहीं फिर बैठते हैं तो होम आइसोलेशन भी दे देंगे, अपने कमरे में रह करके वो जो है सो अपना अलग रहेंगे, एक आदमी उनसे 2 मीटर की दूरी बना करके उनका खाना पीना देगा और फिर वो डेडिकेटेड रहेगा। वो भी बाजार में डायलिसिस कोरोना वार्ड में 5 मरीज एडमिट किए गए जिसमें डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अभी एक एडमिट है, टोटल एडमिटेड केस अभी सस्पेंड दो और दोनों का अभी रिपोर्ट अवेटेड। क्या लोग लैब कंफर्म कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक नहीं आए? क्या लोग लोगों से क्या फील करेंगे? पांच एडमिट हुआ उस वार्ड में, 2 डिस्चार्ज हुआ और एक का सैंपल एवेटेड है, एक का आज सर हुआ है, 2 डिस्चार्ज हुआ है। प्रदेश के लिए देखा तो प्रदेश के लिए ये दोनों खबर मुझे काफी प्रभावित, ये दोनों तस्वीर, एक तस्वीर तो नहीं है इसमें मुख्यमंत्री जी का तस्वीर है, अब देख रहे हैं वो अकेले में, हमने क्या करना है, मैं भी अकेले में था और आप संयोग से 1 मीटर से ज्यादा कि 2 मीटर आप भी संभल के आए हो लगता है, निर्देशों का पालन किया है आपने, आपको क्या सूचना है कि सरकार का जो अभी है निर्देश कितनी दूरी बना कर रखना? 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर भी अपार का है और कहा है बिहार के कृषि मंत्री ने 2 मीटर की दूरी से काम करे, गवर्नमेंट का 2 मीटर जो जन के लिए है, यहाँ तो व्यापारिक स्थान से कहा 1 मीटर खराब।